भाई हम आ चुके हैं टुंडला। टुंडला में सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है, तो अभी टुंडला से निकलते हैं। और यहाँ का आप देख सकते हो सिटी बज चुकी है, तो ट्रेन हमारी छूटने वाली है। जैसे आप देख सकते हो लोग जनरल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो लो ट्रेन छूट चुकी है। ये काफ़ी सुपर फास्ट ट्रेन है। तो फिलहाल दोस्तों हम अलीगढ़ जंक्शन पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हो सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है, ट्रेन चलने वाली है। राम राम जी। तो कैसे हो भाई लोग। तो दोस्तों नया दिन नया सफ़र शुरू हो चुका है। काफ़ी दिनों के बाद जो है ये ब्लॉग हम अब बना रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला। तो फिलहाल हम आ चुके हैं इटावा के रेलवे स्टेशन में, और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है उत्तराखंड के लिए। तो दोस्तों उत्तराखंड की पावन धरती पर हम जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है काफ़ी अच्छा है। अभी फिलहाल हम अंदर नहीं गए हैं। जो ट्रेन हमारी है वो लगभग काफ़ी रात में आने वाली है, तो अभी हम फिलहाल टिकट कराएंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ का रेलवे स्टेशन। आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ का रेलवे स्टेशन है, काफ़ी अच्छा है, लाइट वाइट खूब मस्त है। तो चलिए सबसे पहले हम टिकट कराते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। तो दोस्तों हमारा टिकट जो है अभी मना कर दिया है, 10 बजे के बाद जो है हमारा टिकट होगा। तब तक के लिए आपको दिखाते हैं यहाँ का रेलवे स्टेशन जो है इस प्रकार है। और यहाँ पर सबसे बढ़िया जो बात है वो ये लगी कि यहाँ पर 2-4 लोग बाहर आपको बैठे मिल जाएंगे जो टिकट काटते हैं, सबसे बढ़िया बात ये है। तो भीड़ काउंटर पर बहुत कम रहती है, बाहरी से लोग टिकट काटते हैं, और जो वैसी बुकिंग रिजर्वेशन कराना हो तो वो आप अंदर से कराइएगा। फिलहाल दोस्तों हमारा टिकट हो चुका है, टिकट जो है जनरल का है, और क्योंकि स्लीपर हमें मिला नहीं तो फाइनली दोस्तों टिकट कंफर्म हो चुका है। जनरल तो हाल ही मिल जाती है, लेकिन जो ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हुई है। पहले तो ट्रेन का टाइम था वो था 12:47, लेकिन अब जो है ट्रेन लगभग 1:30 पर आएगी, ऐसा अभी पता चला है। तो दोस्तों ये रहा इटावा का काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म, जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों कई घंटों के बाद जो है हमारी ट्रेन का आने का समय हो चुका है, कुछ ही मिनटों में हमारी ट्रेन आ चुकी होगी और हम ट्रेन पर होंगे। तो दोस्तों काफ़ी एक्साइटेड हैं उत्तराखंड जाने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों सफ़र हमारा शुरू हो चुका है, जय भोले का नाम लेके हर हर महाकाल। तो चलिए अंधेरा छाने वाला है, क्योंकि अब हम इटावा जंक्शन से निकल चुके हैं। कोई सीट तो मिली नहीं, जाके आपको दिखा दें सीट तो पूरी फूल है, सीट पूरी फूल है। और ये रहा यहाँ का ट्रेन। दोस्तों जैसा कि आपको हमने फाइनली बताया कि हम लोगों को स्लीपर का टिकट नहीं मिला, तो हम लोग जो है जनरल में आए, जनरल का टिकट मिला यहाँ पर हम। तो फिलहाल दोस्तों हम अलीगढ़ जंक्शन पहुंच चुके हैं, ये आप देख सकते हो सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है, ट्रेन चलने वाली है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो हम जनरल डिब्बे में हैं, ये आप देख सकते हो, और उधर हम बैठे हैं उस इस साइड, क्योंकि सीट तो हमें मिली नहीं है, हमारे नसीब में सीट है नहीं। तो अलीगढ़ जंक्शन आप देख सकते हो ऐसा है अलीगढ़ जंक्शन, और इस तरह से यहाँ पर लोग काफ़ी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। तो चलिए कर रहा है।
तो दोस्तों फाइनली सुबह हो चुकी है और गुड मॉर्निंग भाई लोग। तो काफ़ी यार दिक्कत हुई जनरल में, जो है ना नींद नहीं आती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो होती है भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हो अभी भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आपको दिखा देते हैं, और धूप भी निकल चुकी है। तो अभी हम लगभग 3 घंटे का सफ़र और तय करने वाले हैं। अभी जो यात्रा हमारी है रात से अभी जारी रही है और आगे 3 घंटे तक का और सफ़र करेंगे, तब जाके हम पहुंचेंगे हरिद्वार। तो दोस्तों चलिए आपको आगे का व्यू दिखाते रहेंगे। और राम राम दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों 11 घंटे का सफर के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल की ओर पहुंच चुके हैं। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका उत्तराखंड की पावन भूमि हरिद्वार में। तो चलिए दोस्तों आगे का ब्लॉग आपको नेक्स्ट डे में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल जो